कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें हाउ हाउ मच और हाउ मेनी है. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. सो गाइस, रिसेंट वीडियो में भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताया था. आज भी मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें हाउ हाउ मच और हाउ मेनी है. तो बगैर अपने टाइम को जाया कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो गाइस, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आता है हाउ. इसका मीनिंग है कैसे. इसकी एग्जांपल्स हैं हाउ ही इज वर्किंग, वो कैसे काम कर रहा है. हाउ आर यू, आप कैसे हो. हाउ यू डिड दिस, तुमने ये. तो गाइस, सेकंड वर्ड हमारे पास आता है हाउ मेनी. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मेनी और मच दोनों काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो मेनी है वो यूज होता है किसी काउंटेबल चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, और अनकाउंटेबल चीज के लिए हम यूज करते हैं मच. तो इस बात को आपने ध्यान में रखना. तो हाउ मेनी का मतलब कितने. एग्जाम्पल्स इसकी बहुत ज्यादा होती है और मच की भी बहुत ज्यादा होती है. मेनी ज्यादा होती है. इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ आए तो है हाउ मेनी मोबाइल्स यू हैव, how many beds you have, how many glasses he has. और गाइस, थर्ड वर्ड हमारे पास आता है हाउ मच. इसका मतलब होता है, अभी मैंने आप लोगों को बात बताई कि हम मच वहां यूज करते हैं जब किसी अनकाउंटेबल चीज की बात हो रही है. तो हम मच के साथ वाटर ही लगाएंगे, हम मोबाइल तो नहीं लगाएंगे. तो इसकी एग्जाम्पल है हाउ मच शुगर इज इन कप. शुगर तो आप काउंट नहीं कर सकते हम, इसलिए इसके साथ मच आएगा. उसके बाद हाउ मच वाटर यू हैव, वाटर हम काउंट ही नहीं कर सकते इसलिए. How much ice is there? Ice भी हम काउंट नहीं कर सकते, चाहे वो और ग्लास में हो चाहे वो पूरे अर्थ की बात हो रही हो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. अगर आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय.